देखो चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। देखो क्या होता है कि जैसे ये चुंबक है, इसमें ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ। इसमें क्या होता है कि इससे हमेशा एक इस प्रकार से एक लाइन निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ऐसे, और ये वक्र बनाती हुई चुंबक के भीतर से होती हुई क्या होती है, नॉर्थ सिरे से निकलती हैं, नॉर्थ सिरे से और साउथ सिरे में, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हुई चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः कहाँ पहुँच जाती हैं, उत्तरी सिरे पर पहुँच जाती हैं। मतलब ये बंद वक्र बनाती हैं ऐसे। इस प्रकार तो कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। मतलब ये बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे कितना ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम, जहाँ पे ये क्या होती हैं सघन होती हैं, मतलब पास पास होती है चुंबकीय बल रेखाएं, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ पे दूर होती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वीक होता है। ठीक है, तो थ्योरी आपको बगल में दी गई होगी वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात आता है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब देखो चुंबकीय बल रेखाओं में ये समझिए कि चुंबकीय बल रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पे एक हम ऐसे स्पर्श रेखा खींचे तो ये यहाँ पे किसी बिंदु को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में कि चुंबकीय बल रेखाओं का जो पहला गुण होता है, ठीक है, तो वो पहला गुण यही होता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई तथा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में एक वक्र बनाती हुई प्रवेश करती हैं। अर्थात यह क्या होती हैं, यह एक बंद वक्र होती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं थी, उत्तरी धन आवेश से निकलती थी और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती थी। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक बंद वक्र होती हैं, पहला हो गया। दूसरी चीज़, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती, आप देख रहे हैं कि कहीं भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही। तो सेकंड पॉइंट में आपका यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती इस बात को समझिए, आपको बताया गया है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखा खींच दें तो यहाँ पे क्या बताएगी, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगी। अब आप जानते हैं कि अगर ये एक दूसरे को काटती ऐसे तो इस पॉइंट पे एक तो बल की दिशा ये हो जाती और एक बल की दिशा ये हो जाती, तो एक ही जगह पे चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन होती और किसी भी चीज़ की एक ही समय पे एक ही जगह पे दो डायरेक्शन संभव नहीं है, तो इसका मतलब यह संभव नहीं है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि चुंबक के समीप जहाँ चुंबकीय बल रेखाएँ एक दूसरे के अत्यंत समीप होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, और चुंबक से दूर हटने पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हट जाती हैं, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है। अब कह रहा है किसी पृथ्वी के किसी भी एक स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। मतलब पृथ्वी पर अगर आप बात करें किसी एक निश्चित स्थान की, तो वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो समान और समदूरस्थ होगी। मतलब वहाँ पे जब समान होगी और समदूरस्थ होगी, जैसे यहाँ पे क्या है, बीच में समान है तो यहाँ पे और समदूरस्थ है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान, यहाँ पे सघन है तो यहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो ऐसे जब समान और समदूरस्थ होंगी, इसका मतलब पृथ्वी के किसी भी एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र अगर उसके आसपास देखें तो क्या होता है, समान होता है। तो ये हो गए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण।